बिन सतगुरु कोई राह न पाई, महिमा उनकी कहीं न जाई। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। हम में कुछ करनी नहीं, नहीं साधन नहीं भक्ति, एक दया भल आपको मिले तो मेरी मुक्ति। आप हर कोई नहीं मार सकते हो, जानवरों को काट नहीं सकते हो, लेकिन जब काट देते तो कहते भाई ये कैसे मुसलमान है, तो फटकारा उन्होंने दोनों को फटकारा। कहा हिंदू अपन करे हिंदुआई और गागर छुअन न दे वैश्य के रे पायन लौटे, देखो हिंदुआई। तो आप ये समझो कि हर तरह से उन्होंने जिस कुरीति में लोग फंसे हुए थे उससे निकलने की कोशिश किया, और कबीर साहब नाम दान लिया, पूरे अनि संत बन गए। कैसे? अपने बल पर बने, नाम तो यही था लेकिन यह पांचों नाम नहीं था उस समय, तीन नाम इनके गुरु ने इनको दिया था, लेकिन कोशिश ये करते रहे। जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो रिसर्च करते जाते रिसर्च करते रहते हैं और उसमें नई खोज लेते हैं, ऐसे ही इन्होंने मेहनत बहुत किया और अपनी आत्मा को पहुंचाया कहाँ सतलोक। आए थे नीचे 16 सुतों में से एक जोगजीत, मतलब वो आए थे, और लेकिन गए सतलोक तक, भेद सतलोक का खोला और रास्ता सतलोक तक का बताया। अब जब शरीर छोड़ा तो फिर अपने लोक में ही वहीं चले गए। तो आप इस बात को समझो कि उन्होंने अन्य समझो बहुत लोगों को रास्ता बताया, लेकिन अधिकार किसको दिया जाने से पहले? नामदान देने का अधिकार किसको दिया? नानक साहब को। अरावी नदी के तट पर उन्होंने नामदान लिया था, कम उम्र में ही अनि परम गति की प्राप्ति कर ली थी। फिर उन्होंने जब गुरु के रूप को अंतर में देखा, गुरु के जलवा को देखा, तब बोल पड़े वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु। यानी हमारे गुरु का इतना जलवा। देखो हर मनुष्य के शरीर में कोई समर्थ गुरु को पहचान पाता है, संतों को पहचान पाता है, महापुरुषों को पहचान पाता है, नहीं पहचान पाते हैं। और जब चले जाते हैं तब जगह जगह रामलीला रासलीला करते हैं, मूर्ति बनाते हैं जगह जगह पर, यानी मठ मंदिर उनके नाम से बना लेते हैं, लेकिन जब रहते हैं तो जल्दी नहीं पहचान पाते। जाए अगर आदमी समझने की कोशिश करे, उनके बताए रास्ते पर चले, तब तो पहचान होती है। रानी इंदुमती कबीर साहब के शिष्य थे, नामदान लेकर के भजन किया, जब सतलोक पहुंची देखा बैठे हुए हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं, तब बोली कि आप हमको मृतलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी ताकत होती है, प्रभु मनुष्य शरीर में भी इतना पावर देता है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और फिर ला करके ये जलवा दिखाया, तेरी मैंने मदद किया। बोल किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपकी मदद के बगैर
तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी, कदम कदम पर बाधाएं थी। लेकिन जब मैं आपकी बातों को याद रखा कि गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, और कह कबीरता दास का तीन लोक बनाए, तो आप याद करते ही प्रकट हो जाते थे और आपके आते ही विघ्न बाधाएं हट जाती थी। आपका पीछा मैंने नहीं छोड़ा, आपने हाथ जब पकड़ाया और मैंने हाथ पकड़ लिया तो आपने छुड़ाया नहीं हाथ अपना, तब मैं यहाँ पर पहुँच पाई। आपके एहसान का बदला तो कभी चुकाया नहीं जा सकता। कहा गया संतों की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार, आप ये समझो कि संतों की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। तो आपने दया किया, इतना कृपा किया कि जिससे मैं आपको यहाँ पहचान पाई। तो आप समझो ब्रह्मो कि जब जलवा को देखा तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बड़े मेरे गुरु। जैसे लड़का चल ना पाता हो और जब उठ करके खड़ा हो जाता है तब कहते हो ना, वारे भैया वाह रे बेटा वाह वाह वाह, जब बढ़िया नंबर लिया वाह बेटा वाह तूने टॉप कर दिया पढ़ाई में, ऐसे ही। तो आप ये समझो उनको अधिकार दिया था। और फिर उन्होंने जो 10 गुरु हुए, शिष्य तो बहुत बनाए लोगों, उनको अधिकार देते चले गए। फिर इधर गए थे आपके कहाँ सबसे छोटे यानी आखिरी जो 10 गुरुओं में हुए यानी वो हुए गुरु गोविंद सिंह, गए हुए थे दक्षिण भारत में, पूना पहुँचे जब तो वहाँ पेशवा परिवार के मराठा परिवार के थे रतन राव जी, उनको अधिकार किया। उन्होंने भी बहुत शिष्य बनाए, बहुत लोगों को नाम दान दिया, लेकिन अधिकार किसको दिया, श्याम राव जी को दिया। श्याम राव जी को वहाँ लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि संतों को परेशानी बहुत झेलनी पड़ती है, बहुत परेशान लोग करते हैं। पलटू साहब ने कहा, पलटू नाहक भूखता साथ देख कर स्वान, और जगत बगर सो वह रहे चारों युग परमन। तो आप प्रेमी समझो कि उधर आए बनारस से ही कुछ दिन, फिर हाथरस चले गए और फिर उन्होंने गरीब साहब को नामदान दिया, उनको अधिकार दिया। फिर उन्होंने किसको दिया, जो राधा स्वामी मत को चलाया, जिन्होंने राधा माने सूरत और स्वामी माने मालिक, यानी ये सूरत किसको कहते हैं, ये जीवात्मा परमात्मा के अंश जो शरीर को चलाती है, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ तीन, और ये उससे 72,000 ये जो नसें और ये 10 प्रकार के प्राण और ये खट चक्र, यही चलाते हैं शरीर को, जीवात्मा के पावर से ये सब चलते हैं। तो सूरत मने जीवात्मा और स्वामी मने वो मालिक है ना। राधा नाम सूरत का सदगुर दही लखाए, उलट ताहे सुमिरन करे स्वामी संग मिलाए। उलट का क्या मतलब होता है, जैसे कहा ना उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीक वह ब्रह्म समाना, उल्टा नाम का मतलब क्या होता है। लोग कहने लगे मरा 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 जपो, मरा 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 जपो, मरा जपने से यानी समझो कि ब्रह्म समान कोई हो सकता है, उलट यानी समझो ये जीवात्मा का जो ये प्रकाश है रोशनी है ताकत है, ये इस यानी पिंड की तरफ हो गया, इधर से खींचो समेटो इसको पूरी ताकत को, और यहाँ जीवात्मा जहाँ बैठी है वहाँ लाओ, और फिर ऊपर की तरफ उसका तवज्जो दो, ऊपर का ध्यान दो, स्वामी संग मिलाए, फिर वो स्वामी मिल जाएगा। तो राधा स्वामी आप ये समझो कि राधा स्वामी उन्होंने नाम जगाया, और उन्होंने भी फिर किसको अधिकार दिया, नामदान तो बहुत लोगों को दिया लेकिन उन्होंने किसको अधिकार दिया, विष्णुदयाल जी महाराज को, विष्णुदयाल जी महाराज ने किसको दिया अधिकार, घोरेलाल जी महाराज को, घोरेलाल जी महाराज ने किसको अधिकार दिया, हमारे गुरु महाराज को, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये तस्वीर जिनकी लगी हुई, यह नहीं तस्वीर क्या है, और ये मूर्ति क्या है, और यह समाधि क्या है, और यह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा क्या है, यह है जड़, और ये शरीर क्या है, ये चेतन है, और जीवात्मा चेतन है। जड़ किसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह खुद ना आ जा सके, कोई उठा के ले जाए ठेल के ले जाए कैसे ले जाए, तब हो जाता है, तब खिसक सकता है,
और चेतन किसको कहते हैं, बगैर किसी के यानी ले जाए हुए खुद चले, वो होता है चेतन। तो ये जीवात्मा चेतन है, शरीर चेतन है, चेतन से जब चेतन की पूजा करते हैं तब चेतन मिलता है। मूर्ति की पूजा कोई भले कर ले, फोटो की पूजा कर ले, मत्था पटक दे मिट्टी पत्थर के ऊपर, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकता। जीवात्मा अपने घर अपने वतन नहीं पहुंच सकती है। श्रद्धा भाव तो जगेगा, और जितना श्रद्धा होगा, जितना प्रेम होगा, भाव भक्ति होगी, उसका फल दुनियावी फल तो मिल जाएगा, धन पुत्र परिवार में तो बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन जीवात्मा एक इंच भी एक सेंटीमीटर भी जहाँ पड़ी हुई है इस शरीर में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब आप कहोगे आप फोटो क्यों लगाते हो, देखो संत मत में फोटो क्यों लगाया जाता है, इसलिए कि गुरु ही संत मत में सब कुछ होते हैं। अन्य मतों में भी गुरु की पूजा होती है, लोग गुरु को ही मानते हैं, प्रथम उन्हीं को मानते हैं, गुरु गोविंद हो खड़े का केला गो पाए, बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद जो बताए, तो आप ये समझो वहाँ भी मानते हैं, लेकिन संत मत में गुरु ही सब कुछ होते हैं, क्योंकि ये लोक और परलोक दोनों बनाते हैं, दोनों का रास्ता इनको मालूम होता है, इसलिए सबसे पहले गुरु को ही ध्यान किया जाता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो आप ये समझो इसलिए फोटो लगाया जाता है कि ये भूल जाते हैं, गुरु का चेहरा भूल जाता है। तो जब फोटो लगा लिया जाता है तो ध्यान लगाते समय थोड़ा सा ध्यान में चेहरा आ जाता है। अब अगर जो पुराने प्रेमी हो आप गुरु महाराज के बताए अनुसार ध्यान लगाने लग जाओ और गुरु का अंतर में आपको दर्शन होने लग जाए तो फोटो लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे गुरु महाराज को अधिकार मिला, दादा गुरु जी महाराज ने इनको अधिकार दिया, तो इन्होंने भी बहुत से लोगों को नाम डाल दिया, पूरा गुरु के आदेश का पालन किया आपने, तनिक भी संकोच नहीं किया, तनिक भी बेईमानी नहीं की, और अपने आखिरी श्वास तक लगे रहे इसी काम में, और इतने युवों को नाम डाल दिया, अंतर में इतनी धुलाई लोगों की किया कर्मों की, कि आखिरी वक्त में उन्हीं कर्मों की वजह से शरीर के अन्य ऊपर वो कर्म आए और तकलीफ झेलना पड़ा, लेकिन मेहनत पूरा किया और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर ही नहीं चलाया, कितने जीवों को निजी घर पहुंचा दिया, अब वापस दुख के संसार में आने वाले प्रेमियों नहीं हैं। लेकिन अब बहुत से लोग गुरु महाराज को अभी भी नहीं पहचान पाए, कारण यही रहा कि गुरु भक्त तो आप अपने को कहते हो लेकिन गुरु भक्ति आती नहीं है। गुरु भक्ति का मतलब क्या होता है? गुरु भक्ति का मतलब ये होता है कि जहाँ मनमुखता बिल्कुल न रहे, मन के हिसाब से गुरुमुख कोई काम नहीं करता है, गुरु के बातों को ही पकड़ लेता है और गुरु के बताए रास्ते पर ही चलता है, कुछ भी हो लेकिन गुरु के बताए सिद्धांत वसूल को नहीं छोड़ता है, तो वही आगे निकल जाता है। आप लड़खड़ा जाते हो, आप मान सम्मान के चक्कर में पड़ जाते हो, धन दौलत के चक्कर में पड़ जाते हो, भाई भतीजा बात के चक्कर में पड़ जाते हो, जाति बात कौम बात के चक्कर में पड़ जाते हो, भाषावाद एरियावाद के चक्कर में पड़ जाते हो, और मन तो ये चाहता ही है कि ये चीज़ें इनको मिल जाएं और उसी में ये फंसे रहें, आगे ना ये बढ़ पाएं, मन तो ये चाहता ही है इस समय का कलयुगी मन। तो कहा मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहे करो तुम सोई। प्रेमियों गुरु के कहने के अनुसार आप चलो, गुरु महाराज ने जो प्रेमियों कहा कि एक घंटा सुबह शाम सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करते रहना, शाकाहारी नशा मुक्त रहना, तो अक्षरशः आप पालन करो तब आप गुरु भक्त माने जाओगे, और नहीं तो आपके इस शरीर से कर्म बन जाएंगे
और फिर आपको भी कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। कर्मों की सजा से आज तक कोई बच नहीं पाया जब से कर्मों का विधान बना। धृतराष्ट्र ने कहा मैं अंधा क्यों हो गया, तो कृष्ण ने कहा तुम्हारे कर्म खराब थे। उन्होंने कहा इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। बोले पिछले जन्म में? कहा 100 जन्मों का मुझे याद है, 100 जन्म पीछे तक मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। कहा और पीछे देखो, 106 जन्म के पीछे जो बुरे कर्म बन गए थे उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। कर्मों की सजा से कोई नहीं बचा। जितने भी महापुरुष हुए उनको भी कर्मों की सजा भोगनी पड़ी। कृष्ण जब जाने लगे तो पांडव ने क्या कहा था, लेते चलिए हमको भी अपने दाम। कृष्ण ने कहा द्वापर का विधान खत्म, कलयुग आ गया और अब मैं अपने धाम जा रहा हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। पांडव ने कहा महाराज मुझको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ, मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ, मेरा काम दूसरा है। धर्म की स्थापना करने का था द्रोणाचार्य के श्रृंगार का, वो मैंने काम पूरा कर दिया। इसके लिए तो तुमको अन्य समझो कि संत सदगुरु की खोज करनी पड़ेगी। आप देखो गीता के अनचौथे स्कंद में 34वें श्लोक में यही लिखा है, और अगर तुम संत सदगुरु की खोज नहीं करते हो रास्ता लेकर के और भजन करके अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं कर पाते हो तो तुमको कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। और हुआ भी यही, गल करके गए बैतरणी नदी में कूदे और आप समझो कि खत्म हो गए, चले गए। कृष्ण का क्या हुआ, कृष्ण गए थे जब शरीर छोड़ने को था, बैठे हुए थे पेड़ के ऊपर, पैर के ऊपर पैर रखे लटकाए बैठे थे, बहेलिया गया था शिकार खेलने के लिए, तो देखा कि जैसे मृगा की आंख चमक रही हो। इनके पैर में पदम का निशान था, पदम के निशान को मृगा की आंख समझ करके और तीर चला दिया। जब इनके पैर में लगा और कराह निकला तब दौड़ करके गया, पछताया, माफी मांगा, कहा तुम्हारी गलती नहीं है, तुमको भी मैंने रामा अवतार में तीर मारा था छुप करके। कहा ना मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा, बाली को मारा था न। ऐसे आप देखो जब समय आया राम का शरीर छोड़ने का, लेटे हुए थे, आवाज़ लगी खाली करो, चलो जल्दी करो, समय हो गया। घबरा गए, कौन आया हमारे कमरे में? पहरेदार से पूछा कौन आया था, बोले सरकार कोई आया ही नहीं, बिगड़ गए, तुमने देखा नहीं, अंदर आने दिया, हट जाओ तुम, लक्ष्मण की ड्यूटी लगाऊंगा। लक्ष्मण हमारे यानी बहुत अच्छे पहरेदार हैं, जंगल में वे ही मेरी रखवाली करते रहे, लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दिया। जब और समय नजदीक आ गया तो आते समझो फिर वही आवाज आ गई, भीलन लोटी गोपिका, वह अर्जुन वह बाण, पुरुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान। वही शरीर जब उनके अंदर शक्ति थी, ताकत थी, ऊपर से दी गई थी शक्ति, कहाँ से आए थे, अनिरंजन लोक से आए थे, आप समझो उनको शक्ति दी गई थी, वो शक्ति जब खत्म कर दी गई, खींच ली गई, तो साधारण पुरुष हो गए थे। कौन? आप ये समझो जिनको भगवान राम कहा जाता है। अब आप भगवान राम के प्यारे हो गए, उनसे प्रेम करते हो गए, आपको खराब भले लगे लेकिन सही बात तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य शरीर में वो भी थे और उनको भी कर्मों की सजा भोगनी पड़ी थी, आखिरी वक्त में तकलीफ हुई थी। तो आपको मैं बता रहा हूँ प्रेमियों कि ये अनिल समझो कि लक्ष्मण की ड्यूटी लगाया और फिर आवाज़ आ गई खाली करो। उनको तो यही था कि मेरे पास शक्ति है और मैंने रावण को मारा था, वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण समुद्र का हमने धीरा। शक्ति खत्म हो जाने पर दुनियावी चीज़ें आ जाती हैं, दुनिया का समझो कि बोझा पड़ जाता है, काल माया का जोर पड़ जाता है, और जब तक शक्ति रहती है तब तक दीनता रहती है। वही राम यानी समझो तब दीन बन गए थे जब रावण को मार करके आए थे। माता कौशल्या
ने कहा था, अति सुकुमार युगल मेरे बारे कौन भांति लंका पट मारे, ए मेरे सुकुमार बेटा, ए कोमल मेरे बेटा, तूने रावण को कैसे मारा, कैसे मारा? इतना पराक्रमी रावण कि जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं टिकते थे। तब उन्होंने कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूजे हमारे और तिनकी कृपा दरुण मारे। ए माँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, वो तो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी कि जिससे मैंने रावण का विनाश किया। लेकिन उस समय जब शरीर छोड़ने का समय आ गया तो वो मानवी बुद्धि में आ गए और कहा, मैंने रावण का विनाश किया और मुझको मेरे कमरे में तेज आवाज बोलने वाला आ कौन गया? तब उन्होंने कहा लक्ष्मण से कि आने कैसे दिया तुमने, गाली गलौज लक्ष्मण को करने लग गए। तो लक्ष्मण भाग पड़े और जब भागे तो पीछे पीछे भी चल पड़े, भाई कहाँ जा रहे हैं, भाई भाई कहाँ भगा जा रहा है। लक्ष्मण बहुत दुखी हो गए कि भाई ने ऐसी बात कभी कहा ही नहीं था और मेरी वजह से भाई को कष्ट हुआ, तो अब मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ। भग करके गए और सरयू नदी में कूद गए। और जब वो लक्ष्मण कूदे तो लक्ष्मण को बचाने के लिए, खोजने के लिए यह भी कूदे। इधर भरत और शत्रुघ्न को पता चला मेरे भाई सरयू में कूद गए, पता लगाने के लिए गए, वो भी नहीं निकले। आज भी गुप्तार घाट बना हुआ है, कहते हैं कि भगवान यहाँ गुप्त हुए थे। कहने का मतलब यह है कि शरीर से भी कष्ट झेलना पड़ता है, कर्मों की सजा प्रेमियों भोगनी पड़ती है, और शरीर जब यह छूटता है तो जीवात्मा को भोगना पड़ता है। यह शरीर तो यहीं छूट जाता है, पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, उसमें बंद करके और यमराज के दूत ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं। उसके पास सारा लेखा जोखा होता है। आज कोई कहो कि मैं जो कर रहा हूँ कोई देख नहीं रहा है, कोई जो कहता हूँ सुन नहीं रहा है, लेकिन जिसको तुम नहीं देख पा रहे हो, जिसकी आवाज़ को तुम नहीं सुन पा रहे हो, वो सब देख रहा है, सुन रहा है। उसका कैमरा कभी फेल होने वाला नहीं, उसकी स्याही कभी ख़त्म होने वाली नहीं, उसका कागज़ कभी सड़ने गलने वाला नहीं, वो सब पूरा का पूरा लेखा जोखा रखता है। तो वहाँ कोई शोर सिफारिश नहीं चलती है कि कोई वकील रख लो छुड़ा करके ले आएगा, शोर सिफारिश लगा दो, सेटिंग कर दो तो छूट के चले आओ, कुछ नहीं। कार साहब के दरबार में बदला कहीं ना जाए, वहाँ तो वो कर्मों का फल देगा ही देगा। आप फिर समझो कोई कितना भी रोए और चिल्लाए लेकिन माफ़ी फिर नहीं देता है, यानी समझो कहता माफ़ी का समय निकल गया, माफ़ी तो तुमको तभी मांगनी चाहिए थी जब तुम मनुष्य शरीर में थे, लेकिन उस समय पर तुम अपने को समझ नहीं पाए, अपने इस शरीर के अंग हाथ पैर आँख कान जो तुमको अच्छे काम में लगाने कहने सुनने के लिए दिया गया था, इससे तुमने बुरा कर्म किया। उस वक्त पर संतों के पास गए नहीं, बताए रास्ते पर तुम चले नहीं, तो तुमको अब सजा भोगनी ही पड़ेगी। तो नरकों की बड़ी बीहड़ सजा है, 42 प्रकार के छोटे बड़े मिला करके नर्क हैं, और उन नर्कों में एक दो दिन नहीं रहना पड़ता, बहुत दिन रहना पड़ता है। आप ये समझो चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है, एक एक कल्प एक एक नरकों में रहना पड़ जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमी, जो भी नामदानी हो आप, कि आप कहीं फंस न जाओ, भूल और भ्रम में न पड़ जाओ और कर्मों के चक्कर में आ जाओ। इसलिए अच्छे और बुरे का आपको ज्ञान रखना चाहिए। देखो मन तो ये चंचल हो ही गया, मन तो ये इंद्रियों के घाट पर बैठकर रस लेने ही लगा, तो मन तो आपके इस शरीर के अंगों से पाप कराना ही चाहेगा, मन तो इच्छा पैदा कर ही देगा। मन ही इच्छा पैदा करता है कि चलो अच्छा खा, चलो खा लें, चलो इनको मार दें, चलो इनको काट दें, चलो लूट ले आवें, चलो व्यवचार कर डालें, और शरीर गंदा हो जाता है, मन ही कराता है। लेकिन मन, चित्त और बुद्धि
ये चारों चीजें हैं चतुर्संता करणी जिनको बताया गया। चार दल कमल अंदर में है, जीवात्मा दो दल कमल पर बैठी हुई है, फिर चतुर्संता करण चार दल का कमल है। तो ये चारों अनुसंजो बनाए गए किस लिए? इच्छा जब पैदा हो तब उस समय पर चित्त से चिंतन करो कि मन यह इच्छा पैदा कर रहा है शरीर से करने के लिए। फिर बुद्धि लगाओ तो बुद्धि अनि जब लगती है तब वो बुद्धि परिणाम लाती है कि इसका परिणाम अच्छा होगा इसका बुरा होगा। अब जब सत्संग आदमी सुनता रहता है तो हर अच्छाई का ज्ञान रहता है उसको, हर अच्छी चीज़ को समझता है, तब बुद्धि उधर से बुराई की तरफ से मोड़ देती है बुद्धि। बुद्धि लगाना चाहिए बराबर। सत्संग गुरु महाराज कहाँ करते थे, सुनते रहो और चित्त लगा करके सुनो, मन को लगा करके सुनो तो बराबर। यानी कहा ना, सत्संग जल जब कोई पावे, महिला ये सब कट कर जावे, दूषित विचार दूषित भावनाएं ये सब सत्संग से सब खत्म होती हैं। तो बराबर प्रेम सत्संग सुनते रहो और बराबर भजन ध्यान सुमिरन करते रहो। भजन ध्यान सुमिरन में न मन लगे सेवा करो। सेवा का विधान क्यों बनाया? सेवा का विधान इसीलिए बनाया, शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, आर्थिक सेवा, तीन तरह की सेवा बताई गई। तो सबसे ज़्यादा पाप किससे होता है? शरीर से होता है। तो शरीर से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। जिस अंग से पाप ज़्यादा होता है, जब उस अंग से सेवा जब करते हैं तब वो पाप कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। शरीर से सेवा का सबसे बड़ा लाभ मिलता है। मानसिक सेवा, मन का चिंतन होता है, आदमी मनसा पाप भी करता है। आप समझो मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन तरह के कर्म बताए गए, संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म बताए गए, कुछ पहले जन्म के कर्म, कुछ शरीर से जो होता, कुछ प्रारब्ध के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ये समझो कि मनसा पाप, जैसे सोचते हो ना मार देंगे काट देंगे, इनको हम रहने नहीं देंगे, बहन बेटी के साथ इनके बुरा कर्म कर डालेंगे, तो मनसा पाप होता है। मन से भी पाप होता है, कर्म बुरा बनता है। वाचा मुँह से बोल करके मरवा दो कटवा दो कह करके, आप ये समझो मनसा वाचा और कर्मणा एक शरीर से होता है। तो मनसा पाप तो इस समय माफ हो जाता है, क्योंकि मनसा पाप बहुत होता है। और वाचा वाचा और कर्मणा भोगना पड़ता है। बोल करके बोलने से कहता मार दे मार दे, सिर पे तोड़ दे, हाथ पे तोड़ दे, काट दे गर्दन, तो वो लग जाता है। मार देने काट देने पर वो भी लगता है। तो कहने का मतलब ये सब कर्म है, ये कर्म सब कटवाए जाते हैं। आपको नहीं पता है कैसे कर्म कटता है। सौ सौ जन का कर्म एक एक घंटे के अनुस्वप्न में संतों ने कटवा दिया लोगों का। तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं, इतिहास मिल रहा है, समय नहीं है कहाँ तक आपको बताऊँ। तो कर्म काटने का सबसे बढ़िया तरीका होता है संगत की सेवा, गुरु के आदेश का पालन। उसमें कर्म कई जन्मों के कटते हैं। वाचा कर्म समझो कि जो मुँह से गाली गुप्ता देता है, तो प्रचार करवा करके, पहले के समय में प्रचार का नहीं था तो वो वाणी पढ़वाते थे, प्रार्थना बोलवाते थे मुँह से, वाचा कर्मणा शरीर से, यानी जो कर्म बनते हैं हाथ पैर आँख कान से, उससे सेवा कर सेवा करवाया जाता है। तो आप ये समझो कि धन की भी सेवा, धन गलत जगह पर लगा दिया, धन दे करके किसी को मरवा दिया, कटवा दिया, किसी से गलत काम करा दिया, धन खर्च कर दिया, उसकी भी सेवा होती है। लेकिन अब आप ये समझो कि ये तीनों सेवाएं करनी चाहिए प्रेमियों को। देखो प्रेमियों, कुछ लोग ऐसे हैं जो यही सोच लेते हैं कि धन कमाते हैं तो इसमें से कुछ निकाल दें, कहते हैं कि दशमांश निकाल देने चाहिए। पहले भी लोग निकालते थे, चुटकी निकालती थी ये बच्चियाँ, आज भी निकालती हैं। चुटकी किसको कहते हैं? भोजन बनाने के लिए जाओ तो एक चुटकी निकाल के रख दो, निकालती थी, अब भी निकालती हैं। रोटी बनाओ तो आटा रख दो, चावल बनाओ तो चावल रख दो, दाल बनाओ तो दाल रख दो। तो उसको क्या करते थे? खिलाते थे गरीब लोगों को, भंडारे वगैरह में दे देते थे। उससे क्या होता था? बरकत होती थी। बरकत किसको कहते हैं? पांच आदमियों का भोजन बना और एक आदमी आ गया और वो भी खा जाता था और बच भी जाता था।
आप ये समझो कि आदमी खाता चला जाता है और कहता कि मन नहीं भरा, और थोड़ा खा लेता है कहता मन प्रसन्न हो गया, मन भर गया। कहते हैं भाव भक्ति से जब यानी जब बनाया जाता है, भजन नंदी जब बनाते हैं थोड़ा ही खाओ मन प्रसन्न हो जाता है। कोई मेहमान आया और सोच लिया, घर वाली ने औरत ने सोच लिया, अरे ये तो बगैर बुलाए मेहमान आ गए, मेहमान नहीं भगवान आ गए, तो बड़े भाव से बनाएगी। और कोई आ गया मेहमान, अरे ये तो टेंशन आ गया टेंशन, अब फिर बर्तन धो, फिर बनाओ, फिर खिलाओ, 10 बजे रात को आ गए बताओ, तो समझो कि वो बढ़िया से बढ़िया भोजन होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं प्रसन्न होगा। भोग लगा करके जब जय गुरु नाम रही बोल करके जब खिलाते खाते हैं तब का स्वाद देखो, और ऐसे बना करके खाने लग जाओ बन ही रहा है और टेस्ट करते जाओ खाते जाओ तब देखो उसका स्वाद कैसा रहेगा। आप ये समझो कि बुद्धे ने कहा ना कि हमारी बहू जो फटा पैंट पहनती है, जिसको लड़का ब्याह करके लेकर के आया, वो तो बनाती जाती है खाती जाती है, बनाती जाती है खाती जाती है। तो अब आप ये समझो कि बहुत से लोग तो आप ये सोचते हो कि दशमांश निकाल देना चाहिए, दे देना चाहिए, तन की सेवा तो हो गई। आप ये समझो लेकिन तन से जो गलती बन गई तो तन से तो तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी। तो रात को आते हैं ना सेठ लोग, तो नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है, नहीं तो जल्दी नींद ही नहीं आती है। कभी सिर में दर्द, कभी बदन में दर्द, तो कभी पैर में दर्द, कभी हाथ में दर्द। तो अब आप ये समझो कि सेवा का विधान संतों ने सत्संगियों के लिए इसीलिए बनाया, शरीर की सेवा। अब यह है कि थोड़ा बहुत जो जैसा हो वैसा भी करता रहे, गुरु को याद करता रहे, जैसे कहते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी जो भी जब भोग लगाते हैं ना भगवान को, तो लोग बोलते हैं कौन लोग, पंडित जी लोग या और लोग पुराने लोग, कि जो भी है फूल पत्ती जो भी आपने दिया आपको समर्पित है, तेरा तुझको अर्पण है। तो अब आप ये समझो कि यही सोच लो जो हो सका अपनी कुवत भर निभाता जा रहा तब तो ठीक है, और नहीं ये बस हम धन की सेवा करते तो हमको तन की सेवा क्या जरूरत है, मन की सेवा की क्या जरूरत है। तब आप ये समझो कि आप यानी समझो कि मनमुखी माने जाओगे, गुरुमुखी नहीं माने जाओगे। तो आप प्रेमी जितने भी सत्संगी हो जब ध्यान भजन में मन न लगे तो सेवा करने लग जाओ, मुझसे प्रार्थना बोलने लग जाओ, नहीं प्रचार प्रसार में चले जाओ, नहीं कुछ है तो फोन पर जो बात होती रहती है, अरे हमने तो आज करेले का भरवा बनाया, आज तो हमने पनीर का पराठा बनाया, तुमने क्या बनाया, इसकी जगह पर सत्संग की ही बातें बैठियाँ करते जाओ। तो समझो कि जो मुँह से कोई को गाली दे दिया, तकलीफ दे दिया आपके बोलने से, तो उसमें उसकी माफ़ी हो जाती है उससे। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि आपको गुरु मिले और आपको मनुष्य शरीर मिला, यह है समझो कि अनमोल निधि मिल गई, अनमोल चीज़ मिल गई, इसकी कोई कीमत नहीं है जो यह नाम मिल गया आपको, तो इसकी आप करो कमाई जो सत्संगी हो। क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे मेरे लिए यह नामदान देंगे, नए लोगों को और पुराने लोगों की संभाल करेंगे, तो पुरानों की तो बराबर संभाल में लगा हुआ हूँ। हमको जो गाली भी देते हैं, चाहे ज्ञान में दें, चाहे अज्ञानता में दें, चाहे अहंकार में दें, चाहे जिस भाव में दें, हम तो उनको भी अपना ही मानते हैं, क्योंकि वो गुरु के बंदे हैं, गुरु के अपने जीव हैं। जो गुरु के नहीं भी हैं तो उनके अंदर भी यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, परमात्मा की अंश उनके अंदर भी है। अब वो अज्ञानी हैं इसलिए गाली देते हैं, जब जानकारी हो जाती है तो वही लोग माफी भी मांगते हैं कि हमने गलती किया। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप
श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।